ने गोरखाओं को हराकर इस क्षेत्र पर कब्जा जमाया था। कहने के दौरान ही जाकू के पास 3 मील की सड़क और एक पुल का निर्माण करवाया गया। यह सड़क शिमला में 1860 के तकरीबन पहुंची थी। प्रिय दर्शकों, इस एलिसियम सुरंग को आज के समय में ऑकलैंड टनल के नाम से जाना जाता है। 1903 में कालका शिमला रेलवे लाइन यात्रियों के लिए खोल दी गयी। शिमला छुट्टियां बिताने के लिए एक रोमांचक हिल स्टेशन है, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यह वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। परंतु दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार इस ऊंची पहाड़ी के ऊपर इस शहर का निर्माण कैसे हुआ? और आजादी से पहले तो शिमला ही भारत की राजधानी हुआ करती थी। चलिए जानते हैं वीडियो में शिमला के रोमांचक इतिहास को। तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नए विजिटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस न कर सके। इस खूबसूरत शहर का इतिहास 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश सेना ने गोरखाओं को हराकर इस क्षेत्र पर कब्जा जमाया था। कहते हैं कि इससे पहले इस क्षेत्र में कुछ गिने चुने घर और जाकू मंदिर ही था। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर श्यामला देवी का मंदिर था, जिन्हें देवी काली का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि श्यामला देवी के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम शिमला रखा गया। प्रिय दर्शकों, यदि शिमला के इतिहास की बात करें तो इस क्षेत्र का अप्रलेखित इतिहास 1806 से मिलता है, जब नेपाल के भीमसेन थापा ने हिमाचल में आक्रमण करके इस क्षेत्र पर कब्जा किया था। परंतु दोस्तों, इसके 8 सालों के बाद 1814 में भीमसेन थापा का युद्ध अंग्रेजों से हुआ। 1814 में शुरू हुआ ये एंग्लो नेपाली युद्ध 1816 में ब्रिटिश सेना की जीत के साथ खत्म हुआ, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुगौली संधि के अंतर्गत इस क्षेत्र का अधिग्रहण किया। कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र का नियंत्रण पटियाला के महाराजा को हस्तांतरित किया। इतिहासकार बताते हैं कि भीमसेन थापा को हराने के बाद ब्रिटिश सैनिक थक चुके थे, इसलिए उन्होंने शिमला में कुछ समय तक विश्राम किया। कहा जाता है कि ब्रिटिश अधिकारियों को यह जगह बहुत पसंद आई, इसलिए ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट इस क्षेत्र का दौरा करने लगे और ब्रिटिशर्स को इस जगह शहर बनाने का ख्याल आने लगा। शुरुआत में इन ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने आवास के लिए लकड़ी के घर बनाए। दोस्तों, शिमला की जलवायु प्रदेश के बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा अलग है, इसीलिए ही तो ब्रिटिश अधिकारी अब शिमला छुट्टियां बिताने आने लगे और गर्मियों में यहां लोगों के आने की संख्या बढ़ने लगी। अब ब्रिटिश अधिकारियों के साथ साथ सूद और फारसी समुदाय के लोग भी शिमला पहुंचने लगे। लोगों की बढ़ती जनसंख्या को देखकर शिमला में थिएटर, मॉल और अन्य मनोरंजन के साथ शहर का विकास शुरू हो गया। अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए घर और कार्यालय बनाना शुरू कर दिया था। जैसे ही ये आवास बनकर तैयार हुए तो ब्रिटिश अधिकारी यहाँ छुट्टियां बिताने आने लगे। कहते हैं कि इस क्षेत्र का सर्वेक्षण जोरार्ड बंधुओं ने किया था। उन्होंने बताया कि शिमला पहले एक मध्यम आकार का गांव था, जहां पर एक फकीर रहता था जो यात्रियों को पानी पिलाया करता था। कहते हैं कि 1819 में पहाड़ी राज्यों में सहायक राजनीतिक एजेंट लेफ्टिनेंट रॉस ने सबसे पहले शिमला में एक झोंपड़ी बनाई थी। कहते हैं कि इसके 3 साल के बाद लेफ्टिनेंट रॉस के उत्तराधिकारी और स्कॉटिश सिविल सेवक चार्ल्स प्रेट कैनेडी ने 1822 में एनाडेल के पास कैनेडी कॉटेज नामक क्षेत्र में पहला पक्का घर बनाया था, जो आज के दौर में पीडब्ल्यूडी ऑफिस है। ब्रिटेन जैसी जलवायु की वजह से गर्मियों के दौरान कई ब्रिटिश अधिकारी शिमला छुट्टियां बिताने आने लगे। कहते हैं कि 1827 आते आते शिमला छुट्टियां बिताने के लिए ब्रिटिशर्स की पहली पसंद बन चुका था। 1827 में बंगाल के गवर्नर विलियम एमर्ट ने शिमला का दौरा किया और यहाँ कैनेडी हाउस में रुके। इसके बाद तो शिमला घूमने बहुत से लोग आने लगे। 1828 में भारत में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ टेपल्टन कॉटन भी शिमला पहुँचे और कैनेडी हाउस में रुके। दोस्तों, कॉटन के यहाँ रहने के दौरान ही जाकू के पास 3 मील की सड़क और एक पुल का निर्माण करवाया गया। 1830 आते आते शिमला में तेजी से विकास होने लगा था। दोस्तों, 1830 में शिमला में 30 घर थे, जो 1881 आते आते 1141 हो चुके थे। कहते हैं कि बढ़ती आबादी के साथ साथ शहर बनाने की योजना बनने लगी। इसी कड़ी में शिमला में कई बंगले बनाए गए और धीरे धीरे शिमला में
बाजार भी बनवाए गए। अब शिमला में बाहरी व्यापारी जैसे सूद और पारसी शिमला में पहुंचकर व्यवसाय करने लगे। 9 सितंबर 1844 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिमला का केंद्र माने जाने वाली क्राइस्ट चर्च की नींव रखी, जिसे आज भी आप रिज मैदान में देख सकते हैं। कहते हैं कि क्राइस्ट चर्च 1844 में बननी शुरू हुई थी, जो 1849 के तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी थी। कहते हैं कि इसके बाद शिमला का विकास तेज गति से होने लगा था। कहते हैं कि 1850-51 में कालका से हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण शुरू करवाया गया था। यह सड़क शिमला में 1860 के तकरीबन पहुंची थी। 1860 में ही शिमला तक सड़क पहियेदार यातायात के लिए तैयार हो चुकी थी। 1850 में मेजर ब्रिग्स ने शिमला में एक सुरंग बनाई थी, जिसे आज आप डली सुरंग के नाम से जानते हैं। समय बदलता रहा और शिमला का विकास होता रहा। फिर साल आया 1863 का, जब भारत के वॉइसरॉय जॉन लॉरेंस ने ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी को शिमला स्थानांतरित किया। अब भारत की राजधानी सर्दियों में कलकत्ता होती तो गर्मियों में शिमला होती। भले ही प्रशासन को साल में 2 बार स्थानांतरण का कष्ट उठाना पड़ता था, परंतु जो भी था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए शिमला एक महत्वपूर्ण जगह बन चुकी थी। वक्त बदलता रहा। फिर साल आया 1876 का, जब रॉबर्ट बुलबर लिटन जो इस समय के दौरान तक भारत के वॉइसरॉय थे, इन्होंने शिमला में शहर बनाने की योजना लाई। 1876 में रॉबर्ट शिमला में किराए के घर में रहा करते थे। इन्होंने ही ऑब्जर्वेटरी हिल पर वॉइसरॉय लॉज का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि 1880 आते आते शिमला में आग की घटना ने शिमला के अधिकांश क्षेत्र को साफ कर दिया था, जहां अधिकांश भारतीय आबादी रहा करती थी। इस आग की घटना के बाद फिर से इन क्षेत्रों की मरम्मत करवाई गई और ऊपरी बाजार, जिसे आज रिज के नाम से जाना जाता है, और अपर बाजार को टाउन हॉल के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी थी, जहां पर लाइब्रेरी, थिएटर, पुलिस, सैन्य सेवकों के साथ साथ नगरपालिका प्रशासन के लिए कार्यालय बनाए गए। ये तस्वीर शिमला के लोअर बाजार की है, जो 1887 से 1890 के बीच खींची गई थी। शिमला भारत के कमांडर इन चीफ, भारतीय सेना के प्रमुख और सरकार के कई विभागों का मुख्यालय भी बन चुका था। लोअर बाजार सुरंग जो 150 मीटर है, इसका निर्माण 1905 में किया गया था। इसका नाम खच्चर सुरंग रखा गया था, एलिसियम सुरंग, जिसकी लंबाई 120 फीट यानी 37 मीटर है। इसका निर्माण भी 1905 में करवाया गया है। प्रिय दर्शकों, इस एलिसियम सुरंग को आज के समय में ऑकलैंड टनल के नाम से जाना जाता है। 1903 में कालका शिमला रेलवे लाइन यात्रियों के लिए खोल दी गई, जिससे शिमला की लोकप्रियता में और इजाफा हुआ और लोग ट्रेन के जरिए भी शिमला पहुंचने लगे थे। कालका से शिमला तक के रेलवे मार्ग पर 806 से ज्यादा पुल और 103 सुरंगें थी, जिसे इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता था, और इसे ब्रिटिश ज्वेल ऑफ द ओरिएंट का नाम दे दिया गया था। 2008 में कालका शिमला रेल मार्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर का हिस्सा बना दिया गया। भारत के विभाजन के बाद यह कुछ समय के लिए पूर्वी पंजाब की राजधानी हुआ करती थी। हिमाचल प्रदेश राज्य के गठन के बाद शिमला को इसकी राजधानी नामित किया गया। दोस्तों, यदि बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा निर्मित इमारतों की, तो वो आज भी शिमला में मौजूद है। जैसे पूर्व में वॉइसरॉय लॉज, असेंबली चैम्बर, ऑकलैंड हाउस, क्राइस्ट चर्च, गॉटन कौसल, शिमला टाउन हॉल और गेटी थिएटर जैसी इमारतें भारत में ब्रिटिश शासन की यादें दिलाती है। हालांकि इन इमारतों में मूल पीटर ऑफ और वॉइस रॉयल निवास 1981 में जलकर खाक हो गया। जाकू हिल और प्रोस्पेक्ट हिल के बीच रिज के साथ लगभग 1.5 मील तक फैला हुआ था, जहां पर मॉल रोड आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। शिमला के रिज मैदान में सभी गाड़ियां वर्जित थी, सिवाय वॉइस रॉय और उनकी पत्नी के। शिमला का भूगोल। शिमला हिमालय की दक्षिण पश्चिमी पर्वतमाला पर 31.61 डिग्री नॉर्थ और 70.10 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। इसकी औसतन समुद्र तल से ऊंचाई 2206 मीटर यानी 7238 फीट है। यह शहर 7 पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है और यह शहर 9.5 किलोमीटर यानी 5.7 मील तक फैला हुआ है। शिमला को उच्च भूकंप वाले खतरे वाले जोन में शामिल किया गया है। कमजोर निर्माण तकनीक और बढ़ती आबादी इस क्षेत्र के लिए एक गंभीर खतरा माना गया है। शिमला की सबसे निकटतम नदी सतलुज है। यह शहर कालका से 88 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 116 किलोमीटर और मनाली से 247 किलोमीटर, दक्षिण में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। शिमला को 7 पहाड़ियों पर बनाया गया है,
जिसमें इनवरम हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल, प्रोस्पेक्ट हिल, समर हिल, बेंटनी हिल, एलिसियम हिल और जाकू हिल शामिल है। शिमला का सबसे ऊंचा स्थान जाकू हिल है, जो 2554 मीटर की ऊंचाई पर है। गर्मियों के दौरान शिमला का औसतन तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और सर्दियों के दौरान 3 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। शिमला की अर्थव्यवस्था। शिमला की अर्थव्यवस्था मूल रूप से टूरिज्म पर बेस्ड है। यहाँ पर घूमने बाहरी लोग आते हैं, जिससे यहाँ के होटल, ढाबे और अन्य कारोबारियों का कारोबार चलता रहता है। शिमला में हिमाचल सरकार के अधिकांश ऑफिस हैं, जिस वजह से यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। साधारण शब्दों में समझे तो हिमाचल की अर्थव्यवस्था शिमला के इर्द गिर्द ही घूमती है। शिमला सेब, मटर और आलू इत्यादि की फसलों के लिए मशहूर है। परिवहन और व्यापार का स्थानीय केंद्र होने के अलावा शिमला स्वास्थ्य सेवा केंद्र के लिए भी मशहूर है, क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज और 4 प्रमुख अस्पताल है। इंदिरा गांधी अस्पताल, स्नो डाउन अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, जिसे पहले रिपन अस्पताल भी कहा जाता था, कमला नेहरू अस्पताल और इंडस अस्पताल शामिल है। शिमला में 5-स्टार होटल सहित 6500 से अधिक होटल है, जिनमें सबसे लोकप्रिय ओबराय, सेसिल, पीटर हॉफ इत्यादि है। विकिपीडिया के अनुसार शहर में 13 आंगनवाड़ी और 64 प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ ब्रिटिश काल के कई स्कूल भी मौजूद हैं। शहर के कुछ लोकप्रिय स्कूलों में विशव कॉटन स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी चेल्सी, सेंट एडवर्ड स्कूल, ऑकलैंड टाउन हॉल स्कूल, लोरेटो कॉन्वेंट, तारा हॉल शामिल है, जिनमें विश्व कॉटन और सेंट एडवर्ड स्कूल लड़कों के लिए है और कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी चेल्सी, लोरेटो कॉन्वेंट, तारा हॉल जैसे मशहूर स्कूल केवल लड़कियों के लिए मौजूद है। इसके अलावा भी शिमला में बहुत से प्रसिद्ध स्कूल और विश्वविद्यालय मौजूद है। शिमला में 2 बड़े पुस्तकालय भी मौजूद है, जहां विद्यार्थी 47,000 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ सकते हैं। शिमला में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र मॉल रोड। मॉल रोड शिमला की मुख्य शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ कई रेस्टोरेंट, क्लब, बैंक, बार, डागर और पर्यटक कार्यालय हैं। रिज। रिज एक बड़ा खुला स्थान है, जो मॉल रोड के किनारे स्थित है। रिज मैदान में उत्तरी भारत का दूसरा सबसे प्राचीन क्राइस्ट चर्च है। दोस्तों, इस रिज मैदान में बहुत सी फिल्में फिल्माई गई है। जाखू मंदिर। जाखू हनुमान मंदिर रिज से 2 किलोमीटर की सड़क दूरी पर है। यह शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर है, जहां पर हनुमान का एक प्राचीन मंदिर है। यहां पर हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची मूर्ति है, जिसे देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। शिमला में आप भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान भी देख सकते हैं। यह संस्थान 1884 से 1888 में बने पूर्व वॉइस रिगल लॉज में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय, इसे 1974 में खोला गया था। इसने पहाड़ी राज्य की संस्कृति संपदा को संरक्षित करने का प्रयास किया है। यहाँ लघु पहाड़ी चित्रकला, मूर्तियाँ, कांस्य लकड़ी की नकाशी और क्षेत्र की वेशभूषा, वस्त्र और आभूषणों का संग्रह है। इसके अलावा आप शिमला में समर हिल, तारा देवी मंदिर, संजौली, कुफरी, छरबाड़ा, मशोरा इत्यादि घूमकर आ सकते हैं। इन पर्यटन स्थलों पर हमने पहले ही एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो के आखिर में आजादी से पहले की कुछ तस्वीरें देखते हैं। दोस्तों, ये फोटो ठियोग से शिमला सड़क मार्ग की है। दोस्तों, ये फोटो 1906 के तकरीबन की बताई जाती है। दोस्तों, ये फोटो मॉल और रिज की है, जो 1918 में खींची गई थी। दोस्तों, ये फोटो लकड़ बाजार की है, जो 1900 के तकरीबन खींची गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। वीडियो के तीसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे शिमला की कुछ और पुरानी तस्वीरों के बारे में, जो ब्रिटिश काल की बताई जाती है। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें।